हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अडेप्टेशन फॉर फूड यानी भोजन के लिए अनुकूलताएं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो जो एनिमल्स हैं वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग तरह के जो है जो चीज़ें को अडाप्ट करते हैं ताकि वो लाइफ को सर्वाइव कर सकें। ठीक है, उसी तरह से आप जानते होंगे कि जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। कोई घास खाता है, कोई जो है मांस खाता है दूसरे जानवरों को खाता है, कोई कीड़े मकौड़े खाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के भोजन करने के कारण क्या होता है, ये भोजन को खा सकें और भोजन को सर्च कर सकें। ठीक है, इसके लिए इनमें बहुत सारे जो है नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, वेरियस तरह के अडेप्टेशन ये अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ये जो अलग अलग चीज़ों को ये अडॉप्ट करते हैं अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या अडेप्टेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी है जो है फूड हैबिट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक कैटेगरी बनाई हर्बीवोरस एनिमल की, यानी जो एनिमल प्लांट खाते हैं यानी पौधे के कोई भागों को खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए जैसे गाय भैंस बकरी सब क्या है, घास खाती हैं, पेड़ पत्तियां खाती हैं, इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। तो आप देखोगे कि ये घास को अच्छे से खा पाएँ चबा पाएँ। ठीक है, इसके लिए ये क्या चीज़ें अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, आप देखोगे कि इनकी जो आगे के दांत होते हैं फ्रंट टीथ होता है वो काटने भोजन को काटने का काम करते हैं, जबकि जो पीछे का दांत होता है इनका बैक टीथ होता है वो जो फ्लैट होता है एकदम, और ये चबाने के काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भोजन को अच्छे से चबा सकें और काट सकें इसके लिए ये चीज़ें ये डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं और मजबूत होती हैं ताकि वो भोजन की तलाश के लिए लंबी लंबी दूरें जा सके। आपको मालूम है कि आज के समय में या पहले के समय में जो घास के मैदान दूर दूर हुआ करते थे या बहुत दूर तक उनको सर्च करना पड़ता था कि कहाँ घास के मैदान होंगे पेड़ होंगे, तो उसके लिए उनकी टांगें लंबी और मजबूत होती हैं ताकि वो ट्रैवलिंग कर सकें भोजन के लिए। इस तरह हमने देखा हर्बीवोरस जिनका भोजन जो है प्लांट या उनके पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ें अपन अडॉप्ट करते हैं, क्या चीज़ें नए चीज़ें डेवलप करते हैं जो अडॉप्टेशन कहलाता है भोजन के लिए। ठीक है, इस तरह से हर्बीवोरस के बारे में हमने पढ़ा। आइए हम पढ़ते हैं कार्निवोरस के बारे में। कार्निवोरस को हम फ्लैश ईटर भी कहते हैं, यानी ये मांस खाने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि ये मांस को अच्छे से खा सकें इसके लिए इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं सामने के दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, जैसे ये मांस को टीयर मतलब फ्लैश को टीयर कर सकें, मांस को फाड़ सकें। और इनके जो बैक टीथ होता है पीछे का दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं ताकि भोजन को चबा सकें। इस तरह से कार्निवोरस जो होते हैं वो फ्लैश ईटर को कहा जाता है और ये भोजन को चबा सकें काट सकें इसके लिए ये चीज़ें ये डेवलप करते हैं। अच्छा, जो कार्निवोरस होते हैं उनको जनरली प्रेडेटर्स कहा जाता है, यानी एनिमल का शिकार करने वाले यानी एनिमल हंटर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको स्क्रैवेंजर भी कह सकते हैं। ठीक है, स्क्रैवेंजर किन्हें कहते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, तो ये प्रीडेटर भी होते हैं यानी एनिमल हंटर भी होते हैं, स्क्रैवेंजर भी होते हैं यानी डेड एनिमल को खाने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रीडेटर होते हैं जैसे आप शेर को ले लो, टाइगर को ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, इनकी जो मसल्स होती हैं मांसपेशियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं और इनके जो पंजे होते हैं जो है वो शिकार को पकड़ने के लिए इनकी जो पंजों में जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं जो शिकार करते हैं जैसे आप ईगल हॉक देख लो, बाज गरुड़ ये देख लो, इनकी जो चोंच होती है ये शिकार को अच्छे से फाड़ सकें उसके लिए इनकी जो चोंच होती है वो बहुत तेज और कर्वेड घूमी हुई होती है, इनके दांत नहीं होते हैं। ठीक है, दे हैव शार्प एंड कर्वेड क्लॉज, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत तेज होते हैं और मुड़े हुए होते हैं और इनको टेलॉन्स कहा जाता है और इस टेलॉन्स की मदद से ये शिकार को पकड़ते हैं।
ठीक है, पकड़ते हैं। ये जो पक्षी होते हैं आल्सो हैव ए वेरी शार्प आई सेट, इनकी आँखें भी बहुत तेज होती हैं, ठीक है, डैट इनेबल्स देम टू स्पॉट दियर प्रे, जिससे ये क्या कर सकते हैं अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं, और इवन वाइल्ड फ्लाइंग, जब चाहे कितना भी ऊपर उड़ रहे हो, ठीक है, तब भी वहाँ जा करके क्या कर सकते हैं, उड़ते हुए भी अपने शिकार पे नज़र बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने जाना कि कार्निवोरस जो होते हैं वो मांस खाने वाले होते हैं और वाले एनिमल्स होते हैं, और ये एनिमल को के मांस को खा सकें इसके लिए टीयर करने के लिए इनके शार्प फ्रंट टीथ जो होता है वो शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, और जो ब्रॉड बैक टीथ होता है वो ब्रॉड और होता है, और वो चिविंग के काम आता है। और कार्निवोरस जो होता है वो प्रीडेटर भी होते हैं, वो स्कैवेंजर भी हो सकते हैं, एनिमल ईटर या डेड एनिमल ईटर भी हो सकते हैं। सॉरी, प्रीडेटर में लॉयन और टाइगर आते हैं, जिनके जो शिकार को अच्छे से पकड़ सकें उसके लिए उनके स्ट्रांग मसल डेवलप होते हैं, जो जबकि जो स्क्रैवेंजर्स होते हैं वो एनिमल्स बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनकी चोंच जो होती है बहुत शार्प और कर्वेड होती है, इनके दांत नहीं होते, ठीक है, और इनके जो पंजे होते हैं वो भी देखोगे तो वो कर्वेड होते हैं और शार्प होते हैं, जिनको टेलॉन्स कहा जाता है, जो शिकार पकड़ने में काम आता है। इनकी आईसाइट भी बहुत अच्छी होती है, ताकि ये ऊँचे उड़ते हुए भी शिकार को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जाना कि स्क्रैवेंजर जो होते हैं वो हैव अडेप्टेशन लाइक कार्निवोरस, वो कार्निवोरस की तरह ही गुणों को रखते हैं, परंतु दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मरे हुए जानवर नहीं खाते, जबकि स्क्रावेंजर जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इस तरह से ये स्क्रावेंजर जो होते हैं वो वातावरण को, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, जैसे आप वल्चर ले लो, हेयांस ले लो, ये सब क्या है, स्क्रावेंजर है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अडेप्टेशन ऑफ फूड के अंतर्गत जो है हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में पढ़ा, कल हम लोग ओमनीवोरस और पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।